वेलकम बैक गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइट ज्वाइन के बारे में और इसमें हम लोग विद द यूजिंग टू टेबल हम लोग देखेंगे कि हम लोग राइट ज्वाइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं यूजिंग टू टेबल, थ्री और फोर टेबल। और अगर आपने पिछला इनर ज्वाइन का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि ज्वाइन के इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और हम लोग ज्वाइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू, थ्री एंड फोर टेबल। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें था लेफ्ट ज्वाइन, और उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो प्रखर गुप्ता है उन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया है। तो उन्होंने फिर मेरे को कमेंट किया जिसमें बताया उन्होंने कि एवरीथिंग इज़ ओके बट आई हैव डन एन इंटर्नशिप जियो का पार्ट। तो मैं बता दूं कि इससे मेरे साथी इंटर्नशिप की थी और वी वर इन अ सेम इंटर्नशिप एट दिस ईयर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसी तरह अगर हम लोग अब आप देखें राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, तो इसमें आप बहुत इजीली देख सकते होंगे कि जो राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि राइट हैंड टेबल का सारा डेटा और जो लेफ्ट हैंड टेबल है उसका सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि कॉमन होगा। उसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर आप ये देखिए टेबल टू है इसका सारा डेटा और जो टेबल वन होगा उसका सिर्फ मैचिंग डेटा ही इसमें आएगा। तो चलिए इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस पे और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग SQL। तो मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस में और वहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग SQL क्वेरीज को। तो मैं अपने डेटाबेस में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट कर दूंगा ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मैंने अभी मल्टी लाइन कमेंट कर लिया जहाँ पे मैं आपको इस वीडियो का नोट प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस में और देखते हैं कौन कौन से टेबल है जिसको हम लोग राइट ज्वाइन में यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं अपने ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ और समझते हैं कि हम लोग राइट ज्वाइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। राइट ज्वाइन मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट टेबल पे और एकेडमिक्स टेबल पे। तो एक बार मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एकेडमिक्स। अगर मैं आपको दोनों टेबल एक बार इंडिविजुअल दिखाऊं तो ये रहा स्टूडेंट का टेबल जिसमें अगर आप डेटा देखेंगे तो जो एनरोलमेंट नंबर है वो है 1011, और अगर आप देखेंगे एकेडमिक्स टेबल को तो वहाँ पे जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा है स्टूडेंट से। यहाँ पे जो डेटा है वो एनरोलमेंट नंबर है 1015 तक का इसमें डेटा अवेलेबल है। तो जब हम लोग राइट ज्वाइन करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा सेकेंड टेबल होगा मतलब ये वाला टेबल होगा उसका पूरा डेटा और इस वाले टेबल का मतलब स्टूडेंट टेबल का मैचिंग डेटा ही इसमें आएगा। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक बार लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं उन सारे कॉलम्स को ले लेता हूँ जो कि मुझे अभी दिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में वो सारे कॉलम्स को लिख लिए हैं जो कि मेरे को लेफ्ट ज्वाइन में दिखाने हैं। इसमें मैंने इनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल, ब्रांच, कोर्स, प्रोग्रामिंग और रोल, इन सारे कॉलम्स को इंक्लूड किया है। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम जिस टेबल से मेरे को चाहिए, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट टेबल और इसको मैं एलियाजिंग करूँगा एज ए। अगर आपको एलियाजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आई बटन पर लिंक आ रहा है उसको आप क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और हम लोग यहाँ पे कीवर्ड जो यूज करेंगे अब करेंगे राइट ज्वाइन। मैं आप लिखूँगा राइट ज्वाइन, किस टेबल को राइट ज्वाइन करना है, एकेडमिक्स एस बी। अब मैं जो यहाँ पे लिखूँगा कीवर्ड वो होगा ऑन एंड देन मैं लिखूँगा ए डॉट ई नंबर के हेल्प से बी डॉट ई नंबर। ये मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, क्योंकि जो हमारा दोनों टेबल है स्टूडेंट और एकेडमिक्स उसमें मात्र एक ही कॉलम है जो कि कॉमन है, या आप और थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड वे में कह सकते हैं कि एक ही कॉलम ऐसा है जिसमें डेटा सेम है वो है एनरोलमेंट नंबर। तो मैं स्टूडेंट टेबल का एनरोलमेंट नंबर लूँगा और यहाँ से लूँगा एकेडमिक टेबल का एनरोलमेंट नंबर ताकि मैं टेबल्स को ईजिली ज्वाइन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सारी चीज़ों को, अब मैं इसको कराऊँगा एग्जीक्यूट। तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको आउटपुट बहुत ठीक क्लियरली दिखेगा जिसमें आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड टेबल कौन सा है और राइट हैंड टेबल कौन सा है। अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड टेबल दिखाऊं तो यहाँ से एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ईमेल, ये सारा हमारा है फर्स्ट या लेफ्ट हैंड टेबल। जो ब्रांच, कोर्स, प्रोग्रामिंग और रोल, ये है राइट हैंड टेबल। तो आई होप कि आपको इसे समझ में आ रहा होगा कि ये जो
डेटा है ये सारा है लेफ्ट टेबल का और ये है राइट टेबल का। तो यही कॉन्सेप्ट होता है राइट ज्वाइन का। राइट ज्वाइन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि राइट हैंड टेबल का सारा डेटा आ जाएगा और लेफ्ट हैंड टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। तो मैचिंग डेटा था वो था 1011 सचिन गर्ग तक, और बाकी सारे जो डेटा थे वो थे उसके लिए नल वैल्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया। तो गाइस इतना ही कॉन्सेप्ट था लेफ्ट ज्वाइन का। चलिए मैं आपके लिए शॉर्ट नोट बना देता हूँ ताकि आपको वीडियो को दोबारा रिकॉल करने में काफ़ी ईजी रहे। ओके, तो मैंने अभी शॉर्ट नोट बना लिया है, तो चलिए मैं इसको हल्का सा एक बार रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी है 1234 और सेम टाइम पे एकेडमिक्स टेबल का जो एनरोलमेंट नंबर है वो है 1256, तो अगर आप इस कंडीशन में टेबल्स को राइट ज्वाइन करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1256 और 1 और 2 से जो मैचिंग डेटा है वो सारा आ जाएगा, बाकी सारे जगह पे नल वैल्यूज आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बाकी सारा नल होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा और लेफ्ट का सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सेलेक्ट कीवर्ड लिखना है, फिर हमें जो कॉलम चाहिए वो लिखना है, फ्रॉम टेबल लिखना है और उसको एलियाजिंग कर देना है, फिर राइट कीवर्ड लिखना है और वहाँ पे फिर टेबल नेम देना है, एंड देन हम लोग को ज्वाइन करने के लिए सिमिलर जो A1 डॉट सिमिलर कॉलम है इक्वल टू A2 डॉट सिमिलर कॉलम। यहाँ पे मेनली दो कीवर्ड यूज होते हैं, एक होता है राइट ज्वाइन जिसकी हेल्प से हम लोग ये बताते हैं कि हमें यहाँ पे राइट ज्वाइन परफॉर्म करना है, और जो दूसरा कीवर्ड होता है ऑन, उसी की हेल्प से हम लोग दो डिफरेंट टेबल को ज्वाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका अगर चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक बार क्वेरी दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेरी जिसकी हेल्प से हमने राइट ज्वाइन को अचीव किया था, और ये रहा आउटपुट। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज नल हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। साथ ही आप अगर सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं वाया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम। थैंक यू।